बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल लजीन इस्तफा अम्मा बाद फअन अबी अम्र वकीला अबी अमरा सुफियान इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم। हमदो सलात के बाद अरबईन नविया की हमारी 21 नंबर की हदीस है और इस हदीस के रावी सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिसकी कुन्नियत अबू अम्र है या अबू अमरा, दोनों में से कोई एक कुन्नियत है। सुफियान बिन अब्दुल्लाह नाम है सहाबी का और सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुस्लिम शरीफ के अंदर यही एक हदीस मरवी है और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने दौरे खिलाफत में इन्हें ताइफ का ज़िम्मेदार बनाया था और इमाम नवी, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, उन्होंने बयान किया है कि सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मुस्लिम शरीफ के अंदर एक ही यही हदीस मरवी है। कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप कोई ऐसी बात बतला दीजिए जिसके बारे में आपसे अलावा किसी से और पूछने की नौबत ना आए, यानी इतने वाज़े अंदाज में हमें कुछ कीमती बातें बता दें जिसको मैं ले जाऊं और किसी दूसरे से तफसीर और तौज़ीह कराने की ज़रूरत हमें महसूस ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही मुख्तसर अंदाज में जामे वसीयत और जवाब दिया, कहा कुल आमंतु बिल्लाह सुम्म इस्तक़िम, कहा कि कहो ये अल्लाह पर मैं ईमान लाया और फिर उसी पे जम गया, यानी ईमान लाने के बाद उसी पे जम जाओ, साबित कदम हो जाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को वसीयत की। मेरे भाइयों, इस हदीस से हमें बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे फवायद मालूम होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी सवाल करते थे तो मुफीद सवाल करते थे, ऐसा सवाल जिसके अंदर अमल का भी पहलू हो, सिर्फ क्या है मालूमात की हद तक नहीं, ऐसी मालूमात जिसके नतीजे में अमल भी हो। तो सहाबे किराम ऐसा सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल भी है कि इल्म अमल को दावत देता है, इल्म अमल को दावत देता है, अगर इंसान उस दावत पर लब्बैक कहता है तो इल्म उसके पास बाकी रह जाता है और अगर इल्म के मुताबिक अमल नहीं करता है तो वो इल्म उसके सीने से सफ़र कर जाता है, वो इल्म बाकी नहीं रह जाता है। तो मेरे भाइयों, ये हदीस बड़ी जामे और बड़ी मुफीद हदीस है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे रसूल को ख़ास तौर से और अपनी पूरी उम्मत को दो अहम बातों की वसीयत की है और इन्हीं दो बातों के अंदर हमारा पूरा इस्लाम दाखिल है, पूरा इस्लाम इन्हीं दो चीज़ों के अंदर दाखिल है। नंबर एक, अल्लाह पर ईमान लाना, और इस ईमान से मुराद तमाम अकीदे से मुतालिक चीज़ें हैं और वो आमाल जिनका ताल्लुक हमारे दिल से है। बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हमारे दिल से है, जैसे नीयत हम अपने दिल से करते हैं, उम्मीदें अल्लाह से अपने दिल से करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में होती है और अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होता है, उम्मीदें हम अल्लाह से लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे आमाल हैं जिनका ताल्लुक हमारे दिल से है, तो वो सारे आमाल जिनका ताल्लुक अकायद से है, ईमानियात से है, दिल से है, इस टुकड़े में आमंतु बिल्लाह में दाखिल है। और दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा सुम्मा इस्तक़िम, इस्तिकामत अख्तियार करो, और इस्तिकामत के अंदर मेरे भाइयों सारे आमाल, इस्तिकामत की तारीफ जैसा कि इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि इस्तिकामत वो है कि इंसान दाएं बाएं मुड़े बगैर और तमाम कजी और टेढ़ेपन को छोड़कर सीधे रास्ते पर, अब सीधे रास्ते को सिराते मुस्तकीम को अपना ले और उस पर साबित कदम रहने के लिए जब भी कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, उसको बर्दाश्त करे। और यही असल मेरे भाइयों इस्तिकामत है कि इस्तिकामत इंसान दाएं बाएं मुड़े बगैर, सीधे रास्ते से इन्हराफ और कजी का रास्ता अख्तियार किए बगैर, इंसान सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रहे
और इस रास्ते में जब भी कोई परेशानी आई, मशक्कत आए, दुश्वारी आए तो उसे झेलते रहे, यह है असल इस्तकामत। और याद रखें मेरे भाइयों, इस्तकामत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बेशुमार आयात में हुक्म दिया है और इस्तकामत पर अपने बंदों को उभारा भी है। अल्लाह ताला कुरान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्म इस्तकामू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यकीनन वो लोग जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हमने दीन को माना, अल्लाह को माना और अल्लाह की दी हुई शरीयत पर हमने ईमान लाया और फिर उस पर जमे रहे आमाल के जरिए से, अखलाक के जरिए से, अपने जिंदगी में इस्लाम को नाफिज करने के जरिए से उस पर डटे रहे, साबित कदम रहे, तो अल्लाह कहता है कि ऐसे लोगों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, मौत के वक्त उन्हें हिम्मत देते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कब्र में उन्हें खुशखबरी देंगे कि तुम्हें कब्र का अजाब नहीं होगा, जन्नत के लिए जन्नत की क्यारियां तुम्हारे लिए कब्र में खोल दी जाएंगी, खिड़कियां खोल दी जाएंगी और जब क़यामत के दिन उन्हें उठाया जाएगा तब भी उन्हें कोई खौफ और दहशत नहीं होगा क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो ये बशारतें उनको दी जाएंगी दुनिया के ताल्लुक से कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारे पीछे जो चीज़ें छोड़ गई हैं अल्लाह ताला उनकी निगरानी करेगा, निगेबानी करेगा अगर वो दीन पर बाकी रहे, और साथ ही साथ तुम्हें भी अब खौफ और डर की ज़रूरत नहीं है, तुम अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले थे। तो मेरे भाइयों, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेकामत अख्तियार करने वालों के फ़ायदे बतलाए हैं और इस पर उभारा है। और दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका असहाबुल जन्ना। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और फिर उसी पर जमे रहे उन्हें कोई खौफ और कोई रंज अपनाने अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रोज़ाना हम कुरान अपने सूरह फातिहा के अंदर अपनी नमाज के हर रकात के अंदर ये आयत पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये दुआया कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर, जो अहले ईमान का रास्ता है, जो जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है, ऐ रब्बुल आलमीन हमें उसी पर साबित कदम रख। हम तो मुसलमान हैं, नेक आमाल की तौफीक कर रहा है, तौफीक हमें मिली हुई है, ऐ मौला हमें इसी पर हमेशा हमेश के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी भर इस पर कायम दायम रखना। तो ये इस्तकामत के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को उभारा है और इसका हुक्म दिया है। साथ ही साथ मेरे भाइयों, इस्तकामत के ताल्लुक से हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इस्तकामत के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अहले इस्तकामत की तरफ से, अहले इस्तकामत अल्लाह की तरफ से इन्हें सकीनत मिलती है, सुकून मिलता है, इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्मीनान की ज़िंदगी अता फरमाता है। जैसा कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इस आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया। इमाम वकील रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐसे लोगों को बशारत दी जाती है मौत के वक्त, कब्र में और क़यामत में जब दोबारा ये उठाए जाएंगे तो इन्हें बशारत दी जाएगी और इन्हें इत्मीनान और सुकून मिलेगा। ऐसे मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत दी जाती है, जैसे कि इसी आयत में फरमाया गया, वह अब शुरू बिल जन्नत लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत का इस्लाम पर चलने के बदले में तुमसे वादा किया गया था उस जन्नत की बशारत तुम्हें दी जाती है। तो यह इस्तकामत का फ़ायदा है कि इंसान को जन्नत नसीब होती है। ऐसे मेरे भाइयों, जो इंसान इस्तकामत पर रहता है अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकतें नाजिल करता है और उसे अल्लाह ताला फरावानी की रिस्क अदा करता है, उसके रोज ज़िंदगी में कभी तंगी कोई परेशानी नहीं आती है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, वअल्लज़ीना इस्तक़ामू अला तरीक़ति लअस्क़ैनाहुम माअन ग़दका, कि अगर ये लोग सिरात मुस्तकीम पर जम जाएँ, डट जाएँ और सिरात मुस्तकीम पर अमल करने लग जाएँ तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा पानी पिलाएंगे, लअस्क़ैनाहुम माअन ग़दका, बहुत ज़्यादा पानी नसीब करेंगे। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जहाँ पर कसरत से पानी पाया जाता है वहाँ पर माल की फरावानी होती है। और ये इशारा है कि जहाँ पर अल्लाह ताला अपने रहमतों की बरखा बरसाता है अल्लाह ताला उन्हें बहुत सारी नेमतों से, फसलों से, बागात से और खेती बाड़ी से अल्लाह ताला उन्हें मालामाल कर देता है और ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली
आ जाती है। ऐसे मेरे भाइयों, जो इंसान इस्तेकामत अपनाता है, इस्तेकामत पर दीन इस्लाम पर साबित कदम रहता है, ऐसे आदमी के दिल को अल्लाह ताला मुतमईन कर देता है, इंशराह सदर अता फरमाता है, और अल्लाह ताला उसे दुनिया के अंदर पाकीज़ा ज़िंदगी, सआदत की ज़िंदगी, मुबारक ज़िंदगी, खुशहाली की ज़िंदगी अता फरमाता है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वह हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो शख्स चाहे वो मोमिन मर्द हो या मोमिना औरत हो, ईमान के साथ साथ अमल सारे करते हैं, तो अल्लाह कहता है हम इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में मुबारक ज़िंदगी, सआदत की ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी, खुशहाली की ज़िंदगी अता करेंगे। और मेरे भाइयों, इस्तेकामत से बढ़कर अमल सारे और क्या हो सकता है? जो इंसान दीन पर साबित कदम रहे, दीन पर जमा रहे, उससे बेहतरीन अमल सारे और क्या हो सकता है? तो जो इंसान दीन पर जमा रहे, दीन पर साबित कदम रहे, दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता रहे, तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशराह सदर अता करता है, मुबारक और खुशहाली की ज़िंदगी अता फरमाता है। ऐसे मेरे भाइयों, इस्तेकामत आपको कैसे नसीब होगी, इसके बारे में बहुत सारे वसाइल हैं, इसके बहुत सारे ज़राए हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे भाइयों, आप चाहे तन्हा में तन्हाई में हो या लोगों के बीच में हो, हर हाल में इंसान अल्लाह को याद रखे कि अल्लाह हमें देख रहा है, और अल्लाह के मुराकबे का एहसास, अल्लाह के निगरानी का यकीन दिल में हमेशा होना चाहिए कि अल्लाह हमको देख रहा है, अल्लाह की नज़र हमारे ऊपर है, अल्लाह हमारा मुराकबा कर रहा है, अल्लाह हमारी निगरानी कर रहा है। ये एहसास चाहे आप खलवत में हो या लोगों की महफिल में हो, आप जहाँ पर भी हो, दिन हो रात हो, बाजार में हो, घर में हो, दुकान पे हो, सफर में हो, हदर में हो, कहीं पर भी हो, इंसान को ये चीज़ हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी निगरानी कर रहा है, अल्लाह हमारा मुराकबा कर रहा है। दूसरी बात मेरे भाइयों, अगर इंसान से कभी कोई गलती हो जाए, और ऐसी बात है अहले इस्तेकामत से भी गलती होती है, जैसा कि अल्लाह फरमाता है फस्तकीमु इलैहि वस्तगफिरू, कि दीन इस्लाम पर साबित कदम रहो, और जब भी कोई गलती हो जाए इसके तकाजे पर अमल करने में, तो फौरन लाज़िम मग़फ़रत मांगो। तो जब भी इंसान को कभी कोताही हो जाए तो अपने नफ्स का मुहासबा करे, और जब भी कोई गुनाह हो जाए अल्लाह की तरफ पलट कर आए, और इंसान अपने आप को नेकियों का आदि बनाए, इंसान अपने नफ्स को, क्योंकि इंसान की चाहत, इंसान की ख्वाहिश हमेशा गुनाहों की तरफ होती है। नफ्स अम्मारा जो इंसान का है, उसको कुचले, उसको दबाए, उसको मारे, और बजोर कुवत, कुवत के बेस पर अपने नफ्स को नेक अमाल पर आमादा करे। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इस्तेकामत के लिए दुनिया और आखिरत में मुबारकबादियाँ दी हैं और जो फ़ायदे बतलाए हैं, उन तमाम बातों का अपने जहन में हमेशा इंसान ख्याल रखे कि हमें इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है और क्या बरकतें अल्लाह ताला हमें नसीब करेगा। ये सारी चीज़ें इंसान अपने ध्यान में रखे। साथ ही साथ मेरे भाइयों, इंसान इल्म शरई हासिल करने में अपने वक्त को लगाए, क्योंकि शरई इल्म से, दीनी इल्म से इंसान अल्लाह की मार्फत हासिल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कैसे की जाए अच्छे अंदाज में इंसान कर सकता है इल्म की रोशनी में। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था फजलुल आलिमी अलल आबिदी कफजली अला अदनाकुम, कि एक आलिम की फजीलत एक आम आदमी पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत एक आम उम्मती पर है। क्योंकि जो इंसान आलिम होता है, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर उसके दिल में ज़्यादा होता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से हकीकी मानों में डरने वाले, अल्लाह की मार्फत रखने वाले, अल्लाह के बारे में जानने वाले, जन्नत और जहन्नम को जानने वाले और दुनिया की हकीकत को जानने वाले, इनके पास अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ मेरे भाइयों, हमेशा इस्तेकामत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। अल्लाह के नबी सल्लम की ये दुआ हमेशा हमारे सामने होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला तादीनिक, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कल्बी अला ताअतिक। ये दुआ अल्लाह के नबी फरमाते थे, और हर नमाज में, हर रकात में हमें ये दुआ सिखलाई गई है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये दुआ हम करते हैं। साथ ही साथ मेरे भाइयों, नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करें, नेक
लोगों की सोहबत अख्तियार करना ये आपको मदद देगी दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर इस्तेकामत अख्तियार करने का हुक्म दिया है वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जालिमों जाबिर और गुनहगारों के साथ उठने बैठने से और उनके तरफ मायल होने से भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। तो मेरे भाइयों, इस्तेकामत बड़ी ही अहम चीज़ है, बड़ी कीमती चीज़ है। इस हदीस की रोशनी में हमें मालूम हुआ कि जो ये कीमती नसीहत और वसीयत अल्लाह वसल्लम की है कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं और फिर अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहें, ये हमारी ज़िंदगी का और इस्लाम पर चलने का मुकम्मल खुलासा है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मौला हमें अल्लाह के नबी सल्लम की इस कीमती और जामे वसीयत पर पूरी ज़िंदगी अमल करने की तौफीक दे और हमें अल्लाह ताला दीन इस्लाम पर हमेशा साबित कदम रखे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वअला आलिही वसहबिही अजमईन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।